खबर मंदसौर से। 4 जून 2020 को कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश अनुसार मंदसौर शहर के गुदरी कसाईवाड़ा के क्षेत्र को 9 भागों में विभाजित कर जिसमें कसाईवाड़ा, इंतरवाली गली, इमामवाड़ा, खानपुरा गेट से पशुपतिनाथ गेट, दत्ता की खाड़ी, तोड़ा गुदरी, पुरावन, खांबूवाड़ी से नजी अब्बा की बोआवड़ी तथा छिपा वाखल मालियों को तोड़ा क्षेत्र में कोविड-19 की गठित टीम द्वारा छठवां चरण का सर्वे कार्य किया जा रहा है। स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से सर्वे कार्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। कंटेनमेंट एरिया में स्वास्थ्य सर्वे के साथ साथ कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में परामर्श भी दिया जा रहा है। लॉकडाउन खुलने के कारण लोगों का आवागमन बढ़ा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग तथा सैनिटाइजर का उपयोग करें। इस प्रकार के परामर्श आमजन को सर्वे टीम द्वारा दिए जा रहे हैं। सर्वे टीम के समन्वयक राजेश रजक, नोडल अधिकारी सतीश सोनकर, कमला पाटीदार, सर्वेकर्ता मनीष चौहान, संगीता भलावी, छावनी अमाडारे, सविता चंदेल, रेखा बंजारा, सिकन्या सुनीता नेमामा, मनीषा ठाकुर, लक्ष्मी नागेश्वर, मालती गहलोत तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं रहेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश मालवी ने बताया कि गुदरी कसाईवाड़ा क्षेत्र में 397 परिवारों का सर्वे कार्य किया गया है, जिसमें 2191 व्यक्तियों की जांच की गई। पुरुष 1073, महिलाएं 1118, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 173, पूर्व से गंभीर बीमारी जैसे हृदय रोग, लीवर, किडनी, बीपी, शुगर से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या 104, गर्भवती महिलाएं 25 की जांच की जाकर उन्हें आवश्यक दवाइयां तथा परामर्श भी दिया गया। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।